राजस्थान में लोकसभा चुनाव क्या हुए, भजनलाल शर्मा की मुसीबत ही बढ़ गई है। पहले से ही भजनलाल शर्मा की योग्यता को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि वो सीएम पद के लिए अभी परिपक्व नहीं है। हालांकि बीजेपी अपने फैसले पर डटी रही और भजनलाल शर्मा को ही मुखिया बनाया। विपक्ष के द्वारा उन्हें पर्ची वाला सीएम भी करार दिया गया, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पद से नहीं हटाया। राजस्थान को लेकर अब बीजेपी भी इस बात को मान चुकी है कि कुछ सीटों पर भाजपा पिछड़ सकती है, कुछ सीटें भाजपा के हाथ से निकल गई हैं। मतलब मिशन 25 का सपना टूटने वाला है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर बीजेपी को यहाँ पूरी सीटें नहीं मिलती हैं, तो नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भविष्य क्या रहने वाला है। भजनलाल के नेतृत्व में ये पहला चुनाव है। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस 7 से 8 सीटें जीत लेती है तो भजनलाल शर्मा के लिए इससे बड़ा सिरदर्द और कुछ नहीं होगा। कांग्रेस इस बार करीब आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है। अब ऐसे में सीएम का विरोधी धड़ा भी सक्रिय दिखाई दे रहा है। भजनलाल शर्मा जब मुख्यमंत्री बने थे तब वसुंधरा राजे और उनका गुट काफी नाराज था। खुद राजे ने भी बीजेपी कार्यक्रमों से दूरी सी बना ली थी। वसुंधरा मोदी तक के कार्यक्रम में नवारत दिखाई देती थी और वो दिल्ली जा पहुंची। राजपूत और जाट समाज भी बीजेपी से खफा था क्योंकि राजे को सीएम नहीं बनाया गया। ज्यादातर राजस्थान में राजपूत ही सीएम पद पर बैठा हुआ नजर आया है, लेकिन इस बार ब्राह्मण को सीएम कुर्सी देकर बीजेपी ने चौंका दिया। वसुंधरा गुट है नाराज। वसुंधरा राजे के सीएम ना बनने से राजपूत बीजेपी से खफा है। वहीं राजे गुट भी इस बात से नाराज है कि आलाकमान लंबे समय से वसुंधरा को नजरअंदाज करता आ रहा है। अगर बीजेपी पूरी सीटों पर जीत नहीं दर्ज करा पाती है तो हो सकता है कि राजे गुट परिवर्तन की मांग करे। राजे की अनदेखी का खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। सुखदेव सिंह भोगा मेढ़ी हत्याकांड को लेकर भी राजपूत नाराज है। तो सिर्फ वसुंधरा राजे का गुट ही नहीं बल्कि हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा का गुट भी बीजेपी से खफा नजर आ रहा था और किरोड़ी लाल मीणा को सीएम बनाए जाने की मांग शुरू से ही उठ रही है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा को देखा गया है कि वो लोगों के बीच ज्यादा रहते हैं और उन्हें अनुभव भी ज्यादा है। किरोड़ी लाल मीणा का गुट भी उनको सीएम बनाने की मांग करता आया है। मीणा 2 साल लोकसभा सीट हारने पर मंत्री पद से त्याग पत्र देने का भी घोषणा कर चुके हैं। किरोड़ी समर्थक दौसा से बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल ने ये कहकर हलचल मचा दी थी कि सीएम तो किरोड़ी लाल को ही बनना चाहिए। इन दोनों गुटों की मांग है कि इनके नेतृत्वकर्ता को सीएम बनाया जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भजनलाल के लिए ये मांग गले की फांस बन सकती है। फिलहाल भजनलाल शर्मा सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी भजनलाल शर्मा की तारीफ भी कई मौकों पर कर चुके हैं, लेकिन याद रहे कि मोदी जिसकी तारीफ करते हैं अक्सर उसकी कुर्सी छह ली जाती है या फिर छीन ली जाती है, जैसे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। अब देखना होगा कि कौन सीएम बनता है, क्या भजनलाल की कुर्सी जाती है या फिर बचती है। ये सब कुछ डिपेंड करता है 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे उस पर। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।